टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र स्थित कटीबपुरा में 3 महीने के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मासूम को एक दिन पहले ही घर पहुंची एएनएम ने वैक्सीनेशन किया था। परिजनों का आरोप है कि मासूम की मौत टीका लगने के बाद अचानक तबियत बिगड़ने से हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। टीला जमालपुरा के कबीरपुरा में वैक्सीनेशन के बाद 3 महीने के मासूम ने दम तोड़ दिया। तेज बुखार के बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार फैजल खान कबीरपुरा में रहते हैं। उनका 3 महीने का बेटा जुल्फिकार है। उनके घर एएनएम टीका लगाने पहुंची थी। गुरुवार दोपहर मासूम बेटे को टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद उसे बुखार आया था। शनिवार सुबह उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां पता चला कि इस मासूम की पहले ही मौत हो चुकी है। फैजल खान बच्चे के दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इस बीच उन्हें किसी ने जानकारी दी कि यह पुलिस केस है, पुलिस को जानकारी देनी होगी। इसके बाद फैजल खान ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के सही कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। बच्चा है, थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र में जो है 3 महीने के बच्चे को टीका लगाने से मृत्यु हुई, क्या पूरा मामला है? हाँ, 19 तारीख की दरमियान घर घर जाकर के आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा टीकाकरण किया गया था। उस पर से थाने में 20 तारीख को शिकायत आई थी कि कल दिनांक को मेरे 3 महीने के बच्चे जुल्फिकार को टीका लगाया गया था। देर रात उसकी तबीयत खराब हुई और आज जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उनके द्वारा संदेह जाहिर किया गया था कि कहीं ना कहीं टीके के कारण मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। उस पर से तत्काल में मर कायम करके और बच्चे का पीएम करवाया गया है टीम के माध्यम से और उसका बिस्तर भी जब्त किया गया है। जो भी तथ्य आएंगे फॉरेंसिक लैब से उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में किसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी मर कायम किया गया है। जांच का विषय है क्या मृत्यु इसी कारण से हुई है, अन्य किसी कारण से हुई है, वो स्पष्ट होने के बाद ही विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।